इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में क्लिक करें बेल आइकन ताकि कोई भी नया वीडियो आती है आपको सबसे पहले पता चल जाए। हाय गाइस, वेलकम टू अर्पिता स्पेस। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल बिरयानी, जो कि थोड़ी मेहनत वाला काम है क्योंकि इसमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, बट देन टेस्ट भी उसी से ही आता है। तो कोई फेस्टिवल हो या घर पे कोई स्पेशल पार्टी या ओकेजन हो तो ये बिरयानी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि ये वेजिटेबल बिरयानी कैसे बनाई जाती है। बिरयानी बनाने के लिए हमें चाहिए लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस 1.5 कप। इन्हें मैंने अच्छे से धोकर 10-15 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। 1 कप मटर, ये फ्रोजन या फ्रेश आप कैसे भी ले सकते हैं। 1 कप बीन्स छोटे छोटे कटे हुए, 1/4 कप कॉर्न्स या भुट्टे के दाने, 1 कप मीडियम साइज में कटी हुई फूलगोभी, 1/2 कप गाजर छोटी छोटी कटी हुई, 1 कप प्याज पतला और लंबा कटा हुआ, 1 कप आलू रफली इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा कटा हुआ, 3 हरी मिर्च, इन्हें मैंने इस तरह से लंबा लंबा काट कर रखा हुआ है। इनके अलावा हमें चाहिए 1.5 कप सोया चंक्स या सोयाबीन की बड़ी, इन्हें मैंने उबलते हुए पानी में डालकर 5 मिनट तक उबाल लिया था और फिर अच्छे से दबाकर इनका पानी निकाल दिया था। 1 कप पनीर, इन्हें मैंने 1 छोटा चम्मच घी में ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया था। 1/2 कप काजू के टुकड़े, इन्हें भी मैंने 1 छोटा चम्मच घी में ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया था। और 1/4 कप प्याज, ये प्याज के मैंने इस तरीके से रिंग्स निकाल लिए थे और इन्हें भी 1-2 चम्मच घी में इस तरह से क्रिस्प ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया था। इसके अलावा हमें चाहिए 1 कप गाढ़ा दही, 2 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे बनाने के लिए मैंने 10-12 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक को इस तरह से पीस लिया है। अब साबुत मसालों में हमें चाहिए 10 से 12 धागे केसर के, 7 से 8 लौंग, 1 छोटा चम्मच दालचीनी पाउडर या 1 इंच साबुत दालचीनी, 5-6 हरी इलायची, 1.5 छोटा चम्मच शाही जीरा। इससे फ्लेवर थोड़ा और अच्छा आता है, मगर अगर ये ना हो तो आप रेगुलर जीरा भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। 3 से 4 जावित्री, ये ऑप्शनल है तो इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चक्रफूल या स्टार अनीस, 2 बड़ी इलायची, 2 से 3 तेज पत्ते और 2 साबुत लाल मिर्च जिन्हें मैंने इस तरह से तोड़कर रखा हुआ है, 1 कप बारीक कटा हुआ मिक्स धनिया पुदीना, 4 कप पानी, 8 से 10 बूंदे नींबू का रस, 4 से 5 बूंदे केवड़ा जल या केवड़ा एसेंस। ये बिरयानी को एक शाही फ्लेवर और खुशबू देने के लिए हम यूज कर रहे हैं, मगर ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फ्राइड ब्रेड के पीसेस, इसके लिए मैंने 1 ब्रेड को इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में काट कर उन्हें थोड़े से घी में फ्राई कर लिया है। इसके अलावा हमें इसमें चाहिए 5 बड़े चम्मच घी। 1 बड़े चम्मच घी में मैंने एक एक करके ऊपर जो भी मैंने इंग्रेडिएंट्स दिखाए जिनको मैं फ्राई करके यूज करूंगी, जैसे कि प्याज पनीर काजू, उनको फ्राई किया है और बाकी 4 बड़े चम्मच घी से हम इस बिरयानी को बनाएंगे। 1/4 कप दूध, नमक 1.5 छोटा चम्मच या स्वादानुसार, 4 बड़े चम्मच बिरयानी मसाला जो कि मैंने घर में ही बनाया है। इस होममेड बिरयानी मसाले से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, या आप चाहें तो जो बाजार में बिरयानी मसाला मिलता है वो भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये थे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। अब शुरू करते हैं ये बिरयानी बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले इस केसर को दूध में भिगोकर रख देंगे। अब मीडियम हाई फ्लेम पर 2 बड़े चम्मच घी गरम करके उसमें डालेंगे ये तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3-4 लौंग के दाने, 1/2 चम्मच या 1/2 इंच दालचीनी पाउडर, जितनी हमने ली है उसकी आधी जावित्री और ये चक्रफूल। इन्हें 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। अब इन साबुत मसालों को साइड में करके हम इस कढ़ाई में से 1.5 बड़ा चम्मच घी निकालकर अलग से एक कटोरी में रख लेंगे। इसे हम एंड में ऊपर से बिरयानी पर डालेंगे तो उसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर और अच्छी खुशबू आएगी इन मसालों की, जिनका फ्लेवर इस घी में मिल चुका है। अब इसमें जीरा डालकर इसे भी 30 सेकंड्स फ्राई कर लेंगे।
इसके बाद इसमें 3.5 कप पानी मिलाएंगे और इसे बॉईल होने देंगे। अब इसमें ये चावल डाल देंगे और गैस को इस टाइम पर मीडियम हाई फ्लेम पर रखेंगे। इन्हें हमें 75% यानी कि 75% ही पकाना है, यानी कि अल्डांटे पकाना है हमें इन्हें, पूरा सॉफ्ट नहीं करना है क्योंकि ये अभी बाद में थोड़ा और पकेंगे जब हम बिरयानी को दम देंगे, तो ये ओवर कुक नहीं होने चाहिए। इन्हें इतना पकने में लगभग 4-5 मिनट का टाइम लगेगा। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। अब जब तक वहाँ चावल पक रहे हैं तब तक एक दूसरी कढ़ाई में हम इसकी सब्जी बना लेंगे। तो उसके लिए एक अलग कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच घी गरम कर लेंगे और इसमें सारे बचे हुए मसाले मिला देंगे। तो इसमें मैं मिला रही हूँ ये दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, तेजपत्ता, लाल मिर्च, जीरा, बड़ी इलायची और जावित्री। 1.5 मिनट इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने के बाद कढ़ाई में हम प्याज और साबुत हरी मिर्च डाल देंगे, साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। जब ये प्याज थोड़े भूरे होने लगेंगे तब हम कढ़ाई में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे अब हमें तब तक पकाना है जब तक लहसुन की कच्ची स्मेल खत्म ना हो जाए। गैस को इस टाइम बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दें जिससे कि ये जले नहीं, और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें। अब करीब 2 मिनट बाद इसमें ये आलू डाल देंगे। आलू जब थोड़े फ्राई हो जाएंगे तब इसमें ये बाकी सारी सब्जियां डाल देंगे एक एक करके। तो इसमें डालेंगे ये बीन्स, गाजर, गोभी, कॉर्न्स और ये मटर। साथ में इसमें 1 छोटा चम्मच पानी मिलाएंगे जिससे ये सब्जियां जले नहीं। गैस को इस टाइम मीडियम लो फ्लेम पर कर देना है हमें, और अगर जरूरत लगे तो आप थोड़ा और पानी इसमें डाल सकते हैं। अब इन्हें बीच बीच में हिलाते हुए 2-3 मिनट तक ढककर हमें पकाना है जिससे ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। इन्हें भी हमें 75% यानी कि 75% ही पकाना है। ये ध्यान रखें कि सब्जियां ज्यादा गलनी नहीं चाहिए, इन्हें थोड़ा क्रंची रखना है हमें। अब सब्जियां कुछ हद तक पक चुकी हैं, तो हम गैस को एकदम लो फ्लेम पर करके इसमें ये बिरयानी मसाला मिला देंगे और इसे अच्छे से इन सब्जियों में मिलाते हुए 1-1.5 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे ये दही और गैस को थोड़ा तेज यानी कि मीडियम लो फ्लेम पे कर देंगे। इसके साथ हम डालेंगे ये सोयाबीन चंक्स या बड़ी, और अब कढ़ाई को ढककर 2-3 मिनट तक सब कुछ और पका लेंगे। अब इसमें मिलाएंगे ये फ्राइड पनीर, आधे फ्राई किए हुए काजू, थोड़ा ये मिक्स्ड धनिया पुदीना, और इन्हें अच्छे से मिक्स करके हम गैस को अब बंद कर देंगे। इधर चावल पक चुके हैं तो गैस को हम बंद करके इन्हें एक बड़े बर्तन में निकाल कर अलग रख देंगे जिससे कि ये गर्म कढ़ाई की वजह से और ना पके। तो अब चावल तैयार है, सब्जी तैयार है, हम फटाफट अब इनकी लेयरिंग कर लेंगे। तो आप कोई भी गहरा बर्तन ले लें जिसका बेस थोड़ा मोटा हो, थोड़ा थिक हो। मैंने यहाँ पर एक भगोने को यूज किया है। इसे आप हल्का सा ग्रीस कर लें घी से। फिर इसमें पहली लेयर हम जमाएंगे सब्जी की। इसे अच्छे से इसमें फैलाकर जमा देंगे हम और थोड़ा सा दबा देंगे। इसके ऊपर हम सेकेंड लेयर जमाएंगे ये चावल की। इसे भी अच्छे से फैलाकर थोड़ा सा दबा देंगे। इसके ऊपर अब हम डालेंगे थोड़ा सा ये केसर वाला दूध, थोड़ा ये गरम मसालों वाला घी, कुछ बूंदे नींबू का रस और 2-3 बूंदे केवड़ा जल। अब इस पर थोड़ा सा ये धनिया पुदीना स्प्रिंकल कर देंगे, फैला देंगे। और अब हमें ठीक इसी तरह से एक और लेयर जमानी है। तो सबसे पहले जाएंगी ये सब्जियां, नेक्स्ट लेयर होगी चावल की, इसके ऊपर जाएगा ये बचा हुआ गरम मसाला वाला घी, केसर वाला दूध, नींबू का रस, केवड़ा जल और ये धनिया पुदीना। अब इसमें दम लगाने के लिए इसे टाइटली फॉइल की 2 लेयर से कवर कर देंगे इस तरह से, जिससे इसमें से स्टीम बिल्कुल बाहर ना निकल सके। अब इसे ढक्कन से ढककर हमें एकदम लो फ्लेम पर 20 मिनट तक इसे पकाना है। अब 20 मिनट हो चुके हैं तो हम गैस को बंद करके 5 मिनट तक इसे ऐसे ही रहने देंगे।
इसके बाद इसे बहुत ध्यान से खोल लेंगे। तो क्योंकि इसमें है केवड़ा जल, केसर, दूध, तो इसमें से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे एक सर्विंग बाउल में खाली कर लेंगे। केसर की वजह से कुछ चावल के दानों पे एक बहुत ही अच्छा सा येलो कलर आया है, जो बहुत सुंदर बना रहा है इस ओवरऑल बिरयानी को। अब हम इसे गार्निश करेंगे ये फ्राइड प्याज, फ्राइड अनियन रिंग्स और ये फ्राइड काजू से, और आखिर में इस पे डालेंगे ये फ्राइड ब्रेड के पीसेस। तो अब फाइनली ये बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही कलरफुल शाही सब्ज बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें ठंडे ठंडे रायते के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। बाय बाय, हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग।